हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो बहुत दिनों के बाद मैं कुछ अच्छा सा वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन वॉइस ओवर बहुत कम किया है मैंने। तो आज हम बात करेंगे पोकेमोन लीग के बारे में। तो उससे पहले ये बैटल देख लो, फिर बात करेंगे कि कौन सा पोकेमोन जो है सही रहेगा लीग में। तो बहुत सारे अलग अलग पोकेमोन रहते हैं, उसके बारे में मैं आज बताऊँगा और दिखाऊँगा कि कौन सा पोकेमोन जो है लीग में सही रहेगा। कौन सा पोकेमोन जो है सही रहेगा। तो भाई देखो, पोकेमोन को अगर लीक में लेके जाने वाले हो ना, तो उसमें रुइंस जो है ना बहुत सही चाहिए, सही लगता है। तो एक अच्छा रुइंस लगता है। तो रुइंस के बारे में बात नहीं करेंगे, रुइंस के बारे में कुछ और वीडियो में बताऊंगा मैं। तो आज मैं बताऊंगा कि अपने टीम को कैसे बिल्ड करना चाहिए अच्छी तरीके से। इधर देख सकते हो ये बग हो गया या फिर कुछ, मेरे को पता नहीं। तो चलो अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टैंक या फिर सपोर्ट। कोई भी पोकेमोन लीग के टीम बना रहे हो, उसमें एक टैंक या फिर सपोर्ट चाहिए। तो आप लोगों ने कभी सकल को यूज़ करते हुए नहीं देखा होगा। तो मैं पहले यूज़ करता था जब मैं है मॉन्स्टर मॉन्स्टर पार्क खेलता था। तो अभी भी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अभी फिर से यूज़ करूँगा इसको मैं। तो पहले इसका स्टैट्स देख लो। डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस 230 230, देख रहे हो ना आप लोग। ये देखो 230 एंड 230। तो आप लोग सकल को जो है डिफेंसिव टाइप बिल्ड करके वो कर सकते हो लीग में। अच्छा खासा ये परफॉर्म कर पाएगा, ये जो टीम में सपोर्ट जो है बहुत सही तरीके से देगा। फॉर एग्जांपल इसको अगर आप लोगों ने टॉक्सिक रैप, और रैप मतलब WRAP रैप, तो उसको सिखा दोगे ना, तो आराम से किसी भी पोकेमोन को थोड़ा थोड़ा करके खाना चालू कर देगा, जिससे जो नॉर्मल टाइप पोकेमोन है मवाइल मेडिचम ये सब आराम से वन शॉट कर पाएगा एनिमी के पोकेमोन को। क्योंकि ऊपर से शक्ल का जो पॉइजन डैमेज है, मतलब टॉक्सिक से उसको पॉइजन किया होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत डैमेज हो जाएगा। तो इधर देख सकते हो स्लज बॉम्ब और जायरो बॉल, ये सब देखे कोई फ़ायदा है नहीं। शक्ल को सिर्फ ये चार मूव देना, टॉक्सिक रैप रेस्ट रेस्ट, इसलिए क्योंकि अगर उसका HP कम भी हो जाता है तो उसको वापस लाने के लिए। तो ये देख लो, बाकी सब ये सब भी सीख सकता है। तो सकल को एक टैंकी टाइप बिल्ड करके यूज़ कर सकते हो या फिर एक सपोर्ट। तो आप लोगों ने सुना होगा डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस, तो यही है, तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक टैंक एंड सपोर्ट के बारे में। मैंने इधर तीन पोकेमोन रखा हूँ टैंक एंड सपोर्ट के लिए। तो ये तो हो गया शकल, इसके पास दो एबिलिटी है, बैटल आर्मर एंड रॉक हेड। हार्ड आर्मर प्रोटेक्ट्स द पोकेमोन फ्रॉम क्रिटिकल हिट्स। ओके, क्रिटिकल हिट्स वाला ये एबिलिटी थोड़ा ठीक है, लेकिन रॉक हेड इतना वो खास है नहीं, रिकॉयल डैमेज इतना वो सब नहीं होता, इसलिए बैटल आर्मर इज द बेस्ट एबिलिटी फॉर हिम। तो ये तो गया इसके एबिलिटी के बारे में। अभी बात करते हैं कि ये पोकेमोन जो है कैसे परफॉर्म कर पाएगा अच्छे से। तो इसको जो है स्पेशल डिफेंस एंड डिफेंस रूइंस जो है देना है इसको, जिससे इसको कोई वन शॉट या फिर आधा HP भी नहीं मार पाएगा, मतलब ले पाएगा इसका डैमेज। तो दूसरा पोकेमोन है ब्लिस्सी। ब्लिस्सी जो है इसका डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस डिफेंस कम है, बहुत 10 ही है, और स्पेशल डिफेंस 135 है, लेकिन सही है क्योंकि इसका HP जो है पूरा फुल मैक्स्ड है। तो इसको कोई दो तीन राउंड में हरा नहीं पाएगा, मतलब दो राउंड तक तो कोई हरा नहीं पाएगा इसको अगर अच्छे से बिल्ड किया जाए तो। इसको भी सेम मूव्स देना है, जैसे कि रेस्ट, टॉक्सिक और बाकी जो उसके अंदर आता हो, मतलब ब्लिस्सी का। ब्लिस्सी के पास दो एबिलिटी है, नेचुरल क्योर एंड सेरिन ग्रेस। तो नेचुरल क्योर ही अच्छा है, क्योंकि अगर इसको कोई पॉइजन कर देता है या फिर पैरालाइज हो जाता है, इसको बाहर बुलाने के बाद, मतलब रिकॉल करने के बाद, वापस अगर इसको बाहर बुलाओगे तो वो ठीक होके वापस आ जाएगा। तो एक अच्छा एबिलिटी है। तो देख सकते हो बहुत सारे अच्छे मूव सीख सकता है, मतलब TM से सिखाना होगा ब्लिस्सी को। और इसके पास मेगा इवोल्यूशन भी है। तो हाँ, जो सेम मूव सेट मैंने बताया है शकल के लिए, उसको सेम इधर भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि तीनों को यूज़ करना है, स्नोरलैक्स ब्लिस्सी शकल को एक चूज़ करना है। बाकी बहुत सारे डिफेंसिव टाइप पोकेमोन है जो टैंक की तरह काम कर रहा है, जैसे कि स्टीलिक्स हो गया, और भी है, एग्रॉन हो गया। एग्रॉन का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, शायद मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ एक डिफेंस है, स्पेशल डिफेंस ज़्यादा है, तो एग्रॉन को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो ये तीन जो है ना बहुत सही है, मतलब ब्लिस्सी का HP तो पूरा फुल मैक्स है, और ऊपर से स्पेशल डिफेंस 130 है, तो एक अच्छा वो हो जाता है, ये सपोर्ट बन जाता है हमारे टीम के लिए। तो आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा ब्लिस्सी यूज़ करते हुए। तो अभी बात करते हैं
स्नोरलैक्स के बारे में। तो स्नोरलैक्स भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो है शाइनी स्नोरलैक्स लोग यूज़ करते हैं। तो इसका भी HP 160 है। इधर आप लोग पूछोगे कि भाई इसका तो सिर्फ HP 160 है, मतलब 200 के प्लस भी नहीं है, और डिफेंस भी बहुत कम है, और स्पेशल डिफेंस भी और कम है ब्लिस्सी से। तो इसका क्या मतलब, क्या कर सकते हैं इसको? तो देखो भाई, इसका अटैक जो है वो 110 प्लस है, जो इसको मतलब एक टैंकी टाइप और ऑफेंसिव टाइप बनाता है। ऑफेंसिव मतलब ये अटैक अच्छे खासे अटैक भी कर देगा, डैमेज भी देगा ये। तो स्नोरलैक्स को भी टॉक्सिक और कुछ अच्छे अटैक टाइप मूव्स दे सकते हो, जिससे ये अच्छा खासा परफॉर्म कर पाएगा लीग में। तो ये तो हो गया टैंक एंड सपोर्ट के बारे में, आप लोग एक चूज़ कर सकते हो। टैंक एंड सपोर्ट में हमेशा याद रखना, एक टॉक्सिक ये सब मूव ही यूज़ करना है, जो मतलब थोड़ा थोड़ा करके एनिमी के पोकेमोन को डैमेज दे। अगर आपके टीम में मेडिचैम मोबाइल ये सब है, तो ये सब पोकेमोन जो आराम से वन शॉट कर पाएगा एनिमी के टीम को, क्योंकि जो भी वो पोकेमोन हो उसका जो हेल्थ है वो कम हो जाएगा शक्ल के पॉइजन टॉक्सिक की वजह से, जो पॉइजन हो गया होगा। इसलिए आप लोग एक पॉइजन मूव रखना ज़रूरी है। तो टॉक्सिक पहले टॉक्सिक करना होगा उस पोकेमोन को, टॉक्सिक से मारना होगा जिससे वो पॉइजन हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके डैमेज जो है डाउन होता जाएगा। तो अभी बात करते हैं एक अच्छा वाटर टाइप पोकेमोन के बारे में। तो वाटर टाइप पोकेमोन में शाइनी पालकिया, शाइनी नहीं नॉर्मल भी चलेगा, पालकिया भी चलेगा और कायोगर। तो आप लोग जो है तीन पोकेमोन यूज़ कर सकते हो, एक चूज़ कर सकते हो वाटर टाइप में, शाइनी मैनाफी, शाइनी पालकिया, शाइनी कायोगर। शाइनी फियोने जो है आप लोग वो वैल्यू एक्सचेंज से ले सकते हो 160 कॉइन में, और शाइनी पालकिया तो बॉक्स से ही मिलेगा, अगर लेना ही होगा तो 720 या फिर कुछ ज़्यादा लगेगा कॉइन्स, जो बहुत है। तो मैं शाइनी मैनाफी या फिर कायोगर ही प्रीफर करूँगा। हाँ, तो इसको क्यों चूज़ किया मैंने, तो इस ये जो है थंडर टाइप मूव सीख सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक टाइप मूव सीख सकता है, ये सीख सकता है थंडर बोल्ट। तो एक अच्छा पोकेमोन बन जाता है लीग के लिए। तो लोगों को बाहर निकाल लेते हैं, फिर पालकिया को अंदर बुलाते हैं। तो ये रहा पालकिया। अभी बात करते हैं ग्रास टाइप पोकेमोन के बारे में। ग्रास टाइप पोकेमोन में आप लोग जो है तीन चार ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो तीन चार में से, जैसे कि शाइनी वीनसोर हो गया, शाइनी शाइमन हो गया, शाइनी सेलेबी हो गया, सेलेबी नहीं एक और था वो, उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन जो भी था एक मस्त था। आप लोग जो है शाइनी शाइमन या फिर शाइनी बिनासोर यूज़ कर सकते हो, और ये शाइनी शाइमन जो है इसका सभी टोटल स्टैट जो है 690 है। तो ये आप जो एक चूज़ कर सकते हो इसको, जो शाइनी शाइमन है ना उसको यूज़ कर सकते हो अपने टीम में, बहुत अच्छा पोकेमोन है, एक ग्रास टाइप, बहुत अच्छा ग्रास टाइप है ये, क्योंकि ये जो है एनर्जी बॉल, ग्रास नॉट जैसे अच्छे खासे ग्रास मूव को सीख सकता है, और हाँ ये टॉक्सिक भी सीख सकता है, तो एक अच्छा पोकेमोन है। तो इसके पास एक ही एबिलिटी है, वो है नेचुरल क्योर। तो हाँ ये वही सेम जो है वो ब्लिस्सी के पास भी था। तो हाँ ये भी अपने जो हीलिंग कंडीशन है, मतलब स्टेटस कंडीशन है, वो सबको वो करता है, हील करता है। तो इसको जो है अच्छे खासे मूव से दे सकते हो, इसको ग्रास नॉट, एनर्जी बॉल, अरोमा थेरेपी और टॉक्सिक, या फिर लीच सीड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो है आप लोग जो है शाइनी विनासोर भी यूज़ कर सकते हो। और अभी बात करते हैं एक अच्छा खासा अटैक टाइप पोकेमोन के बारे में। हमारे पास ऑलरेडी स्पेशल अटैक टाइप पोकेमोन है, वो है पालकिया। अभी बात करेंगे एक अच्छा खासा अटैक टाइप पोकेमोन, तो वो कौन सा होना चाहिए, इसलिए मैं इसमें तीन रखा हूँ, वो है मोबाइल, मेडिचैम, रेजिगिगस। तो आप लोगों को क्या करना है, एक चूज़ करना है। देखो मोबाइल के पास ये है ह्यूज पावर है, और मेडिचैम के पास भी एक एबिलिटी है, वो है प्योर पावर। ह्यूज पावर और प्योर पावर में कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों ही सेम है लेकिन अलग नाम है। दोनों क्या करता है, डबल स्टेट करता है अटैक को। अटैक मतलब जो साइड में अटैक लिखा है ना 284, उसको डबल करता है, ना कि जो उसका ओवरऑल स्टेट्स है उसको डबल। तो बहुत लोग बोलते हैं कि जो मेरा बैटल पावर है एक पोकेमोन का उसको डबल करते, नहीं उसको नहीं, जो सिर्फ उसका अटैक स्टैट है 284 उसको डबल करता है। तो हाँ आप लोग जो है मोबाइल या फिर मेडिचैम दोनों में से एक चूज़ करके अपने टीम में डाल सकते हो। तो देख सकते हो मोबाइल मेडिचैम के पास भी है प्योर पावर, और मोबाइल के पास था ह्यूज पावर, तो दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस है नहीं, सिर्फ इसका नाम अलग है। तो हाँ तो आप लोग जो है एक चूज़ कर सकते हो, या फिर रेजिगिगस जो है उसको रख सकते हो अपने टीम में, एक चूज़ कर सकते हो। रेजिगिगस को अच्छे खासे मूव्स आते हैं, थंडर पंच, फायर पंच, आइस पंच, नॉक ऑफ,
ये सब मूव जो है आराम से रेजिगिगस सीख सकता है। तो अभी के लिए मैं चूज़ करूँगा रेजिगिगस और बाकी दोनों को रख देते हैं। हाँ, आप लोग चाहो तो मेडिचम या फिर मोबाइल एक और भी यूज़ कर सकते हो अपनी टीम में, तो अभी के लिए नहीं यूज़ करेंगे। तो अभी बात करते हैं फायर टाइप के बारे में, एक अच्छा खासा फायर टाइप पोकेमोन। तो फायर टाइप में तीन ऐसे पोकेमोन हैं जो मेरे को लगता है कि बहुत स्ट्रांग है। पहला है शाइनी हीटरन, दूसरा है शाइनी हो, शाइनी नहीं हो भी चलेगा, हो ऐसे 692 है। इसको बहुत सारे अच्छे खासे फायर टाइप मूव्स आते हैं, लावा प्लूम और मैग्मा स्टॉर्म, ये सब अच्छे मूव्स है फायर टाइप मूव्स है। और इसके पास मेगा इवोल्यूशन भी है, तो बहुत सही एक फायर टाइप पोकेमोन बन जाता है। तो मैं अपने टीम में शाइनी हीटरन रखूँगा। और लास्ट पोकेमोन जो एक बैटल हैजर्ड्स वाला होना चाहिए, बैटल हैजर्ड मतलब जो स्टेल्थ रॉक, रोर, स्वैगर ये सब मूव सीख सके। तो बैटल हैजर्ड पोकेमोन में कौन से पोकेमोन है, हिटमोन टॉप, डाइहॉर्न, एग्रॉन और बहुत कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा। मतलब बहुत सारे पोकेमोन जो है स्टडी एबिलिटी सीख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पोकेमोन जो है स्टेल्थ रॉक, रोर ये सब नहीं सीख सकते, तो इसलिए एग्रॉन या फिर राइहॉर्न बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं जाऊंगा इसके साथ अभी के लिए, हिटमोन टॉप के साथ। तो हिटमोन टॉप भी एक सही ऑप्शन है, लेकिन मैं बाद में इसको चेंज करके एग्रॉन लगा दूंगा, क्योंकि एग्रॉन के पास मेगा इवोल्यूशन भी है और वो जो है स्टेल्थ रॉक, रोर ये सब जो बैटल हैजर्ड मूव्स है ये सब सीख सकता है। तो मैं एग्रॉन यूज़ करूँगा। अगर आप लोग लो लेवल पोकेमोन लीग खेलते हो तो राइहॉर्न यूज़ कर सकते हो, राइपीरियर या फिर राइहॉर्न, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मूव से ऐसा होना चाहिए स्टेल्थ रॉक, रोर, स्वैगर और लास्ट में एंडीवर, तो ये चार मूव से होने चाहिए। तो अभी ये बैटल देख लो, मैंने एक दो तीन बैटल किए हैं। ये मेरे दोस्त का अकाउंट है, एसजी लायन या फिर लूसीफर खेलो, वो ये साला बार बार नेम चेंज करता रहता है। तो हाँ, इसमें मैं दो तीन मैचेस खेला हूँ। मैंने अभी तक अपना पोकेमोन लीग का टीम नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। तो ये देख लो ये सब, तो यहीं पे रखते हैं वीडियो को, बाय। Thank you.